मैं इसका जवाब एक लाइन में देना चाहूँगा, बिकॉज अभी ये फिल्म रिलीज नहीं हुआ है तो मैं मेरा कैरेक्टर फिलहाल रिवील नहीं कर सकता, बट इस सवाल का जवाब मैं बेहतर फिल्म के बाद जब आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे, बट मेरा मेरा अगर शूट का अगर आप मेरे को पूछे तो बहुत चैलेंजिंग रोल था मेरा आज तक का, और आगे जितने भी मैं काम करूँगा उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत अगर मैंने किसी चीज़ में किया होगा तो ये रोल में किया है। इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी, और राजेश भाई के साथ मेरे अच्छे सीन्स रहे, तो वो जो केमिस्ट्री हम दोनों का है उन सीनों में, क्योंकि वो एक लेवल एक एज के लेवल पे आके मिलता है वो वाला सीन जहाँ पे हम लोगों का सीन है, और इनका ऐसा है कि ये राम धुन गाने की उम्र में ये वो वाले धुन गा रहे होते हैं, सो कुछ ऐसा है कि हम लोग गेम खेल रहे हैं किसी के साथ और सडनली हमारे साथ गेम हो जाता है, तो उस सब का निचोड़ जो है वो एंड में आके पता चलता है कि हो क्या रहा है। इट्स अ कॉन एंटरटेनमेंट फिल्म, इट्स अ थ्रिलर फिल्म, गाने बहुत अच्छे हैं, एक दो गाने जो इसके लव सॉन्ग्स हैं मोहम्मद इरफान ने गाए हैं, तो और जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो भी यंग, सो इट्स अ वेरी न्यू एंड फ्रेश म्यूज़िक, वेरी फ्रेश फिल्म आई वुड से, एंड एज विद्या बालन हैज सेड, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। सॉरी पहले कोई भी राय मत बनाइए, ट्रेलर देख के फिल्म देखिए उसके बाद कुछ भी डिसाइड कीजिए, कोई भी आप टिप्पणी दीजिए इसके बारे में।